नाम के कोर्ट में क्या करेंगे रेडर। छह नंबर धरती पर दीपक काफी जोर से खिलाड़ी पर अभी तक देखना होगा नाकाम। ऐसे सोते नहीं कम कर उसे चले माही के नाम से जाने जाते जबरदस्त रेडर जो कि खड़के के पाली पर कोर्ट पर हैंड टच करने की कोशिश पर अभी तक नाकाम। देखना होगा क्या करेंगे और वापस खाली हाथ। तो मैं चाहूंगा सैयारों से बार बार आग्रह है आप मंच पर आए और मंच से होने की भाई में पकड़ेंगे। सैयारों जी पानी की ओर से सर्वे दो नंबर धरती पर दूसरे का खिलाड़ी काफी फुर्तीले पर अभी तक नाकाम। खाता खोलना दोनों ही टीम को अभी भी खाता खोलना बाकी वही चले माही सेकंड हैंड लेकर के अपने टीम के लिए फड़की के कोर्ट पर क्या करेंगे देखना होगा। इस तरीके से एक मैच शेरों को प्राप्त होता हुआ और दी अंडर है काफी सीनियर खिलाड़ी काफी जोशीले खिलाड़ी और इस तरीके से रहे हैं टच जबरदस्त अच्छा बड़ी मछली जाल में फंसी। अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल करते हुए फिर चले काफी सीनियर खिलाड़ी जो कि क्या करेंगे छिंगाओं के कोर्ट पर जबरदस्त रेट का नमूना पेश करते हुए काफी सीनियर खिलाड़ी अच्छी रेटिंग पर अभी तक नाकाम। देखना होगा एक ही पॉइंट फिर चले माही इस तरीके से एक पॉइंट ऑफ हमकी को चले काफी सीनियर रेडर फुला लिया यार फिर चले रेडर फड़के के कोर्ट पर क्या करेंगे छंगा। शुरुआती दौर है खिलाड़ी काफी चुस्त जबरदस्त टैकल और सभी खिलाड़ियों का काफी सपोर्ट इस तरीके से एक पॉइंट और फड़की को फिर चले दीपक अपने टीम के लिए सर्वे छंगा कोर्ट पर जबरदस्त रन है करने की कोशिश पर अभी तक नाकाम दीपक चले सैया जो कि काफी सीनियर खिलाड़ी काफी अनुभव रखते हैं प्रो कबड्डी का देख रहे होगा क्या करेंगे। नमूना पेश करते हुए पर अंक ला पाते या नहीं और खाली हाथ वापस फिर चले डू डायरेक्ट खड़के के लिए भाई क्या करेंगे देखना होगा जबरदस्त उछल कूद करते हुए पर अभी फंस गए जाल में और जबरदस्त टैकल इस तरीके से एक पॉइंट छिंगा को चले रेडर क्या करेंगे वापस सुनील खाली हाथ फिर चले दीपक पांच डिफेंडर इस तरीके ऐसा लग रहा है यहां पर डू या डाई रेड रेडर फंसे क्या करेगा देखना है अंक लाते हैं या नहीं
अंकल आना ही होगा अंदर को, आना था या एम पर थोड़ी साइड में रहता ना सुनील जबरदस्त रेडन अच्छी रेडन इस तरीके से एक अंक और तो पांच चार से चलता हुआ मैच एक ही अंक से गोवानी उत्थर की आगे चले दीपक देखना होगा छिंदा चार ही डिफेंडर मैदान पर क्या करेंगे टचिंग करने की कोशिश पर अभी तक नाकाम दीपक काफी फंस गए जाल में दीपक और जबरदस्त टैकल इस तरीके से एक पॉइंट और पांच पांच बराबरी पर चलते हुए मैच महत्व से चलकर आए हुए हमारे सम्मानी भाई साहब घनश्याम सयान जी से मेरा आग्रह है मंच में मंचाशील होने की मांग कर पकड़ेंगे वही जबरदस्त टैकल वही को लिया गया कोर्ट में रेड अप चले क्या करेंगे देखना होगा हमारे तारीफ कर ठीक खाली हाथ चले फिर चले राजेंद्र तैयार काफी सीनियर खिलाड़ी सिंगांग कोर्ट पर रेड अप अच्छी रेडिंग खिलाड़ियों को काफी ग्रिप करने में काफी इस मेहनत और ये पारी का लास्ट रेड हो सकता है यदि पूरा खिलाएंगे रेडर खिलाड़ी ध्यान दें इस मैच के तुरंत बाद व्यवस्थापक ध्यान दें यूथ क्लब 750 कुरकुरा चार रन ये दोनों ही टीम के टीम मैनेजर पे ध्यान दें धर्मेंद्र मार्को जहां कहीं हो मंच में आकर संपर्क करें टिकरा टोला से धर्मेंद्र मार को इस तरीका से अच्छा मैच चलता हुआ अपने समय का विशेष ध्यान देते हुए रेडर काफी प्रो कबड्डी में काफी ध्यान रखते फिर चले रेडर छंगा की तरफ क्या करेंगे देखना होगा अपने कप्तान को किसी भी हालत में उठाना होगा अन्यथा टीम काफी बिछड़ती हुई जबरदस्त टैकल सभी खिलाड़ी के एक साथ सपोर्ट और वही दीपक चले अपने टीम के लिए अपने कप्तान के अनुपस्थिति में फन की टीम जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई इस मैदान पर अच्छा मैच सीनियर रेडर फंकी की ओर से देखना क्या करेंगे और अभी अभी हमारे बीच संजय जी सॉरी सयाम जी मंच में मंचाशील है मैं तिलक मार्ग से आग्रह करूंगा उसको चंदन दल लगाकर स्वागत करने की मांग करेंगे इस तरीके से जबरदस्त टेक्निक मतलब टू पॉइंट के साथ में छिंदा
सात सात की बराबरी पर। अच्छा मैच, दोनों ही मैच काफी मजबूत सशक्त देखना होगा। तो मैं सयाम जी को हमारे इस मंच माध्यम से, हमारी समिति की ओर से इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं, जो कि हमारे बीच मंच में मंजल सिंह है। तो मैं सयाम जी से आग्रह करूंगा इस मैच का जो होता है, खिलाड़ी ध्यान दें, यूथ क्लब 750 कुपवाड़ा और चौरा। इस मैच के तुरंत बाद उनका मैच हो रहा है, किसी भी टीम को कोई समय नहीं दिया जाएगा, यह समिति का निर्णय है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले इस चौरा की पावन धरा को नमन करते हुए मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, और दूर दराज से पहुंचे दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन इस मंच के माध्यम से। और यहाँ पर अभी अभी सुनने को मिला है कि 3.5 मिनट का खेल हो चुका है। ये मैच जो खेला जा रहा है गोड़वा युद्ध क्लब फड़की वर्सेज ये छनगांव के मध्य, जो कि अच्छा मैच। और यहां पर रेडर राजेंद्र सयाम 45 नंबर की जर्सी पर, हाफ टाइम के बाद ये सेकेंड हाफ टाइम के बाद ये मैच चल रहा है गोवा ने फड़की वर्सेज छनगांव के मध्य। इसी बीच रेडर फड़की की ओर से रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं धीर कर्म से तीन डिफेंडर कोर्ट पर डायरेक्ट कर, और यहां पर नीचे तौर पर देखा जाएगा शायद टच, एक पॉइंट और मिलता हुआ यहां पर गोवा नायक के फड़की। तो 7-9 और यहां पर टच करने का प्रयास, लेकिन नाकाम रहे। यहां पर 7 डिफेंडर मैदान पर, यहां पर देखना होगा टच करने का प्रयास कर रहे हैं राजेंद्र सैया 45 नंबर की जर्सी पर रेड करते हुए, और यहां पर खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा राजेंद्र सैया को। एक बार पुनः लगातार रेड पर 1 नंबर की जर्सी पर रेडर बैक लाइन मैं जहाँ हो जाऊँ।